दोस्तों, क्या आपका कंप्यूटर स्लो चलता है, हैंग करता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद से आपका कंप्यूटर फास्ट ही नहीं, बहुत ही फास्ट चलने लगेगा। नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पहले सेटिंग का नाम है डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम्स। क्या दोस्तों आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो कंप्यूटर ऑन होने के साथ ही आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर स्लो चलता है और ये आपके इंटरनेट डेटा को भी कंज्यूम करते हैं और आपको पता तक नहीं चलता है। तो दोस्तों, आप यहां पे सोचो, अगर आपके कंप्यूटर में ये सभी प्रोग्राम्स बंद हो जाएं, फिर आपके कंप्यूटर के रैम पे लोड कम होगा। अगर रैम पे लोड कम होगा, इसका मतलब यह है कि आपका कंप्यूटर पहले से बहुत ही ज्यादा फास्ट चलेगा। स्टार्टअप प्रोग्राम्स को डिसेबल करने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और विंडोज सेटिंग्स के इस पेज पे यहाँ पे आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ इस पेज पे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप का, आपको यहाँ स्टार्टअप पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए जितने भी एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, इन सभी को आपको यहाँ से बारी बारी से ऑफ कर देना है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको सिस्टम सर्विस को छोड़ देना है, बाकी जितने भी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सभी एप्लीकेशंस को आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों, डिसेबल एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स। अगर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में एनिमेशन और विजुअल ग्राफिक्स को कम कर देते हैं, फिर इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आप ग्राफिक्स को थोड़ा घटा देंगे, उसको कम कर देंगे, फिर आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट लोड होगा। फास्ट लोड होगा इसका मतलब कि आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट यहाँ पे काम करेगा। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा क्वालिटी से तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपका कंप्यूटर यहाँ पे बहुत ही फास्ट काम करेगा। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स को कम करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग पे। यहाँ पे दोस्तों ये सिस्टम प्रॉपर्टीज का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें एडवांस टैब के अंदर ही ऊपर परफॉर्मेंस के अंदर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको विजुअल इफेक्ट के अंदर पहले से ये सिलेक्ट होगा, लेट विंडोज चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, आपको यहाँ पे कस्टम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जितना भी एनिमेशन दिया है, इन सबको आपको यहाँ से अनचेक करना है, और अनचेक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसके बाद से ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग है स्टॉप नोटिफिकेशन एंड एक्शन। इसको करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है और विंडोज सेटिंग्स के इस पेज पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए साउंड के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आपको इसे ऑफ कर देना है और इन सब को भी आपको यहाँ से अनचेक कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग है डिसेबल विंडोज ऑटो अपडेट। दोस्तों, विंडोज 10 के अंदर हमेशा नया नया अपडेट आते रहता है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑटो अपडेट डिसेबल नहीं है, फिर जितना भी अपडेट आता है वो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है और इंस्टॉल हो जाता है, जिसके वजह से आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है, स्लो चलने लगता है। अगर आपने अपने मोबाइल डेटा से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, तो आपका सारा डेटा भी खर्च हो जाता है और आपको पता तक नहीं चलता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि दोस्तों, जितने भी विंडोज 10 के अपडेट आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारा अपडेट आपके कंप्यूटर के लिए कंपेटिबल हो सकता है वो अपडेट आपके कंप्यूटर के लिए कंपेटिबल ना हो और वो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया, उसके वजह से भी कई बार बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑटो अपडेट को डिसेबल कर दें, तो आपका कंप्यूटर काफी हद तक फास्ट चलने लगेगा। विंडोज ऑटो अपडेट को डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको टाइप करना है सर्विसेज, आपको यहाँ पे सर्विसेज मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सर्विसेज को ओपन कर लेना है। सर्विसेज का पेज ये ओपन हो जाएगा, तो आपको दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज अपडेट का,
आपको इस पे राइट माउस क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको इस पेज पे स्टार्टअप टाइप के अंदर आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। सबसे पहले आपको इसको यहाँ स्टॉप पे क्लिक करके इसको स्टॉप कर देना है, फिर आपको इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है और इसे आपको यहाँ से डिसेबल करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है ताकि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो एप्लीकेबल हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने विंडोज को महीने में एक बार मैन्युअली अपडेट जरूर कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है क्लीन स्टोरेज। आपके कंप्यूटर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे टेम्पोररी फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं जिनका आपके कंप्यूटर में कोई काम नहीं होता है, आप उनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके कंप्यूटर में भरते जाते हैं जिससे आपका कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो होता जाता है और आपका कंप्यूटर हैंग करता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर से इन सभी टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट कर दें फिर आपका कंप्यूटर काफी हद तक फास्ट चलने लगेगा। और इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में सिर्फ एक सेटिंग को ऑन करना है और जितने भी टेम्पोररी फाइल्स है आपके कंप्यूटर के अंदर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है और विंडोज सेटिंग्स का यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। विंडोज सेटिंग्स के इस पेज पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, आपको यहाँ सिस्टम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ देखिए बैटरी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, आपको यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ स्टोरेज के अंदर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसे आपको यहाँ से ऑन कर देना है। फिर आपके कंप्यूटर में जितने भी टेम्पोररी फाइल्स हैं वो आपके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप यहाँ टेम्पोररी फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ से आप उसको मैन्युअली भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है डिस्क क्लीनर। दोस्तों आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में बहुत सारे ऐसे फाइल्स या फिर फोल्डर होते हैं जिनका आपके कंप्यूटर में कोई जरूरत नहीं होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर से इन सभी फाइल्स या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं फिर आपके सी ड्राइव में काफी हद तक स्पेस खाली होगा और आपका कंप्यूटर पहले के मुकाबले काफी हद तक फास्ट चलने लगेगा। और दोस्तों इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज में मौजूद प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन का। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और इसमें आपको टाइप करना है डिस्क, ऊपर आपको यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये पेज छोटा सा ओपन होगा, यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक करके आपको सी ड्राइव को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि 99% केस में सी ड्राइव में ही विंडोज इंस्टॉल होता है। सी ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्क क्लीनअप का ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको ये जितने भी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सबको आपको यहाँ से चेक मार्क करना है, ओके पे क्लिक करना है और डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर आपका सी ड्राइव बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब आपका कंप्यूटर पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फास्ट चलने लगेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग का। तो नेक्स्ट सेटिंग है डिलीट अनवांटेड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। दोस्तों आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होंगे जिनको आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन इंस्टॉल करने के बाद से आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक बार किए होंगे, किसी को दो या फिर तीन बार किए होंगे लेकिन अभी भी वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, तो वैसे सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर से अनइंस्टॉल कर देना है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लेना है जिसका इस्तेमाल आप अपने कंप्यूटर में बहुत ही कम करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे देखिए आपको अनइंस्टॉल का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके उन सभी सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर से अनइंस्टॉल कर देना है जिसका इस्तेमाल आप अपने कंप्यूटर में बहुत ही कम करते हैं। दोस्तों अगला सेटिंग है स्कैन योर कंप्यूटर। अगर आप विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी इस्तेमाल करते हैं फिर दोस्तों आपने कभी ना कभी अपने कंप्यूटर में क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जरूर किया होगा या फिर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट से कुछ ना कुछ जरूर डाउनलोड करते होंगे। ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है और वो वायरस आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकता है या फिर हैंग कर सकता है। अगर दोस्तों आपके पास कोई पेड एंटीवायरस है तो उसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर के वायरस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं फिर मैं आपको एक एंटीवायरस रिकमेंड करूंगा, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एंटीवायरस का नाम है मालवेयरबाइट्स। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके इस एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से किसी भी तरह के वायरस को बहुत ही आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। ये सारा सेटिंग करने के बाद भी अगर आपका लैपटॉप या फिर पीसी स्लो चलता है या फिर हैंग करता है फिर दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है,
और वो है सिस्टम रीसेट। सिस्टम रीसेट करके आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को नया बना सकते हैं, पहले की तरह बिल्कुल आप फास्ट बना सकते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे विंडोज सेटिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा। विंडोज सेटिंग्स के इस पेज पे यहाँ लास्ट में देखिए आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए ट्रबल शूट के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकवरी का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए रिसेट दिस पीसी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम को यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिसेट करने से पहले अगर सी ड्राइव के अंदर आपका कोई इंपोर्टेंट डेटा है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट या फिर डेस्कटॉप पे कोई भी आपका इंपोर्टेंट डेटा है तो उसका आपको बैकअप ले लेना है, उसके बाद से आपको अपने सिस्टम को रिसेट करना है। और जब भी आप अपने सिस्टम को रिसेट करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, जो भी आपने सेटिंग किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है कि सिस्टम रीसेट को कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी सेपरेट एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख करके आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।